विशेष कार्यक्रम दुर्ग छत्तीसगढ़। माओवादी उग्रवादियों की उपस्थिति की आसूचना प्राप्त होने पर विशेष कार्यबल जिसमें हेड कांस्टेबल राजेश अंगा भी शामिल थे ने उग्रवादियों के खिलाफ 11 अप्रैल 2015 को आक्रामक कार्रवाई शुरू की। प्लाटून कमांडर को उग्रवादियों की गोली लगने से घटनास्थल पर ही शहीद होने के पश्चात हेड कांस्टेबल राजेश अंगा ने स्वयं के दल की कमान संभाल ली। बेहद सूझबूझ के साथ वे माओवादी घेराबंदी को अंदर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से गोलीबारी कर भेदते हुए आगे बढ़े। उसके बाद लगभग 800 मीटर आगे कार्रवाई दल दूसरी घेराबंदी में फंस गया। माओवादियों ने लगभग 500 मीटर आगे तीसरी घेराबंदी तैयार की। हेड कांस्टेबल राजेश अत्रा ने अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से गोलीबारी की जिसके परिणाम स्वरूप 3 माओवादी मारे गए। हेड कांस्टेबल राजेश अत्रा अपने दल का नेतृत्व करते हुए न केवल उन्हें सुरक्षित वापस आए बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि सभी घायल पुलिस कार्मिकों को वापस लाया जा सके। हेड कांस्टेबल राजेश अंगा ने माओवादी उग्रवादियों के साथ घमासान गोलीबारी में अनुकरणीय नेतृत्व रणनीति कुशाग्र बुद्धि और असाधारण वीरता का परिचय दिया। हेड कांस्टेबल राजेश अंगा